श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है, और इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। चंद्रमा इस दिन आपकी कुंडली में 12वें भाव में रहेंगे। जी हाँ, 12वें भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता है। 12वें भाव में चंद्रमा के होने से इस दिन आपको कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होगी, और साथ ही कुछ उपाय करने भी जरूरी होंगे ताकि आपका दिन अच्छा जाए। इस दिन आप मानसिक रूप से परेशान रहोगे, एनर्जी की कमी रह सकती है, कामों में अड़चने व रुकावटें देखने को मिल सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक गलत निर्णय लेने से भविष्य में आपको पछताना भी पड़ सकता है। आज फिजूल के खर्चे काफ़ी हो सकते हैं, तो खर्चे पर लगाम लगाए। लापरवाही बरतने से आज बिजनेस में किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, पर अगर आप सावधानी बरतते हैं और शांति से काम लेते हैं तो नुकसान नहीं होगा। आज आपको बिजनेस संबंधी यात्राएं करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्राएं करने के लिए समय ठीक नहीं है। यात्राओं से लाभ मिलने की संभावना काफ़ी कम रहेगी। यात्राएं टाल दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य भी परेशान कर सकता है, तो संभल कर रहना जरूरी होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए मानसिक परेशानियां रह सकती है। ऑफिस में माहौल आपके खिलाफ रहने की संभावना रहेगी। आज शांति बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में किसी से झगड़ा फसाद हो सकता है। अगर कोई आपसे तू तू मैं करता भी है तो भी उस पर ध्यान ना दे, क्योंकि आज किसी भी तरह के विवाद में पड़ना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आज आप अगर अपने काम से काम रखते हैं, खुद को काम में बिजी रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर परिवार में भी परेशानियां रह सकती है। परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना रहेगी, इस वजह से खर्चा भी काफ़ी हो सकता है। इस दिन चोट लगने की भी संभावना है, तो आपको संभल कर रहना होगा। आपके वाहन की स्पीड भी धीमी रखनी होगी। किसी भी काम में जल्दबाजी इस दिन ना करें और व्यर्थ के वाद विवाद करने से बचे। परिवार के लोगों के साथ प्यार से पेश आए। अगर लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में भी किसी वजह से तनाव उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। आज हर काम समझदारी से करें, किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना होने दें। स्टूडेंट्स के लिए भी समय थोड़ा परेशानी भरा रहेगा। पढ़ाई से अलग चीज़ों में मन लगेगा, ध्यान भटकेगा, अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर पाना आज मुश्किल हो सकता है। आज सफ़ेद चंदन का टीका माथे पर जरूर लगाएं। अपनी किताबों को साफ सुथरा रखें, उन पर धूल मट्टी ना बैठने दें, हल्का भोजन करें और पढ़ाई के दौरान ब्रेक्स जरूर लें। दोस्तों, अगर आप विदेश में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया रह सकता है। वहाँ से धन कमाना भी आपके लिए आसान रहेगा। विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश में पढ़ाई के लिए जाना है तो आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई विदेश में रहता है तो उनसे भी आपकी बातचीत इस समय में बढ़ सकती है, तो विदेश से जुड़े मुद्दों पर आपको लाभ ही लाभ मिल रहा है, लेकिन बाकी सारे क्षेत्रों में नुकसान होने की संभावना ही रहेगी। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय में स्वास्थ्य भी परेशान कर सकता है। आंखों से जुड़ी परेशानियां रह सकती है, मानसिक तनाव डिस्टर्बेंसेस भी रहेंगे, पुरानी परेशानियां भी आपको परेशान कर सकती है। आज हल्का भोजन लें, सुबह टहलने जरूर जाएं, कौवों को रोटी खिलाएं, मंदिर जाकर भगवान का दर्शन लें और 1 रुपए का सिक्का गुल्लक में जरूर डालें और माथे पर चंदन या केसर का तिलक जरूर लगाएं, तो काफी हद तक परेशानियां खत्म हो जाएगी। इस दिन आपके लिए पीले रंग का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा, और 3 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है, इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, सभी राशि के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बातें वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है, परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है
जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती, वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें, उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीज़ें बहुत ही गहरा निगेटिव इफेक्ट डालती है। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वो जगह ही ऐसी है कि सामान को खींची लेती है, वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, आपको ये चीजें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीजों का मौजूद होना शुभ नहीं माना गया है, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है, इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और खास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वो अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है, इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशियां ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीजों को जरूर आजमाएं, इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें। धन्यवाद।